हेलो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर हम कवर कर चुके हैं, अब हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। अब पहले आपको इसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? के इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग ए नोट बाय ए। अब जैसा कि हम बात करें हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ के लिए हमें क्या करना है? जो टाइम है वो हमें क्या लेना है? टी हाफ, ओके। और हमें ए की जो वैल्यू है, ये वाली जो फाइनल वैल्यू है, अब हमें पता है 50% हो चुकी है। किसका 50? ए नोट का 50। इसका मतलब क्या लिखें? ए नोट बाय टू। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। अब क्या करें? पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने टी और ए की वैल्यू को पुटअप किया, देन हमें क्या मिला? के इक्वल्स टू 2.303 और टी, टी की जगह पे हमने क्या रखा? टी हाफ। फिर बता रहा हूं सिंबॉलिक फॉर्म में है, टी बाय टू नहीं लिखना है। लोग क्या लिखे यहां पे? ए नोट, और ए की जगह पे क्या आएगा हमारा? ए नोट बाय टू। ओके, हम इसको सोल्व करते हैं, टू हमारा ऊपर चला जाएगा। के इक्वल्स टू 2.303 टी हाफ लोग 2 ए नोट बाय ए नोट। ए नोट से ए नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास क्या आया? 2.303 टी हाफ लॉग 2। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉग 2 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0.301। अगर आप देखेंगे तो आपको लॉग 2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0.301। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, देन क्या आया? K इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय टी हाफ। चलो अब हम इसको सोल्व करेंगे, आप करके भी देख सकते हो। सोल्व करने से यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी और वो क्या मिलेगी? 0.693 अपॉन टी हाफ। अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप K सोल्व कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप? टी निकाल सकते हैं, या फिर आपको टाइम दिया हुआ होगा, आप यहाँ से के निकालेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और आप क्या कर पाएंगे? आप टी हाफ भी निकाल पाएंगे। कैसे? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय के। ओके, तो आप यहां से टी हाफ भी इजीली निकाल पाएंगे। कैसे? 0.693, के की वैल्यू हम वहां से लेंगे, पुटअप करेंगे, सोल्व कर देंगे। ओके, तो यहां से टी हाफ भी हम इजीली निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्राफ के लिए। चलो सुनो, अगर हम ग्राफ की बात करें, जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाया था, हम देखते हैं इस फॉर्मूले में हमें कहीं पे भी ए नोट नजर नहीं आ रहा है। अब ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब कॉन्स्टेंट तो क्या रहेगा? अनदर कॉन्स्टेंट आ जाएगा कोई भी, है ना, कोई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। अब हमें वो पता नहीं है क्या आएगी, इसीलिए जो ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा? अगर आप ए नोट को इंक्रीज करते हो, टी हाफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट, यहाँ पे एक लाइन हमारी आएगी, वो क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। जीरो ऑर्डर में हुआ था, जीरो ऑर्डर में क्या हुआ था हमारा, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे क्या हुआ था? टी हाफ ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था। जैसा कि मैं आपको बताऊं, वहाँ पे टी हाफ ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मीन्स उसमें अगर ए नोट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो जो टी हाफ है वो हमारा इंक्रीज होने लगता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। किसके लिए? टी हाफ वर्सेस ए नोट। ओके, अब
ये तो हुई हमारी बोर्ड लेवल तक की बात, जिसमें हम जीरो और वन ऑर्डर को ही कवर करते हैं, बट हमसे सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर के लिए पूछ लिया गया तो हम हाफ कैसे बता पाएंगे, हमने तो उनके लिए डेरिवेशन को भी नहीं किया है। इसीलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ अगर आपसे nth ऑर्डर के लिए पूछ लिया जाए। चलो अब मैं nth ऑर्डर की बात करता हूँ, उसके लिए टी हाफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, टी हाफ वन बाय ए नोट एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला हुआ किसके लिए, nth के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ, सुनो। अगर मान लिया यहाँ पे n जो है वो है जीरो, मीन्स हमने जीरो ऑर्डर से स्टार्ट किया, देन t हाफ क्या आएगा, t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय ए नॉट जीरो माइनस वन। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ये तो हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि इस केस में जो हमारा जो टी हाफ आने वाला है वो ए नॉट के क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ, जो मैंने बताया था कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। देखो कैसे, टी हाफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में एन की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ओके, देखिए आप, टी हाफ वन बाय ए नोट वन माइनस वन। ओके, तो वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन, मीन्स टी हाफ क्या आ गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू वन। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया। अगर हमसे पूछ लेता है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ए नॉट टू माइनस वन, टू माइनस वन करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, वन। तो टी हाफ क्या आया हमारा, ए नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, ए नॉट के। इसी तरह से अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए करते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए अगर आप टी हाफ निकालते हैं तो टी हाफ क्या आएगा आपका, टी हाफ वन बाय ए नॉट थ्री माइनस वन। टी हाफ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है किसका, ए का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आप सबके लिए क्या कर पाएंगे, हाफ लाइफ निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है, मैं कुछ रिलेशन बताता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, आप डायरेक्ट बता पाएंगे, अगर आप सोल्व करना चाहें उनको सोल्व भी कर सकते हैं, बट वो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो आप उनका आंसर डायरेक्ट ही कर सकते हैं। चलो कैसे, सुनो, अगर आपसे पूछा जाए टी 75% रिएक्शन कितने टाइम में होगी, आपको पहले से क्या पता है, आपको पहले से पता है टी हाफ, मीन्स 50% रिएक्शन कितने टाइम में हुई वो आप पहले से जानते हैं, तो 75 कितने में होगी, आप उसका टू टाइम्स कर देंगे। आप ये ड्राइव भी कर सकते हैं, मैं आपको ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। चलो, तो 50% जितने टाइम में हुई, 75 उसके टू टाइम में होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इंक्रीज तो 25 ही हुआ है ना, 50 से आगे कितना गया, 25, टू टाइम क्यों हो गया है। देखो क्या होता है, इनिशियली रिएक्शन की रेट फास्ट होती है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली ज़्यादा होती है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है, रेट भी कम होने लगती है। हमने ये ग्राफ से क्लियर किया था, ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, कम, वैसे वैसे हमारी रेट भी क्या होने लगती है, कम। ठीक है, चलो, अब अगर आपसे कोई पूछता है टी 87.5% रिएक्शन, ये सभी चीज़ें आप ड्राइव भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, ये अगर आपको टी हाफ पता है, मीन्स 50% कितने टाइम में हुई है और आपको बताना 87.5 कितने टाइम में हुई, तो आप टी हाफ का क्या कर देंगे, थ्री टाइम्स। चलो एक रिलेशन और बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको बताना है 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में हुई और आप पहले से क्या जानते हैं, टी हाफ, याद रहे 10 टाइम्स, टी हाफ का कितना लगेगा, 10 टाइम्स, मींस 50% रिएक्शन जितने टाइम में हुई, आगे की 49.5 रिएक्शन को होने में कितना, उसका 10 टाइम्स लगा। ठीक है, अब एक लास्ट और मैं आपको बता रहा हूँ, आप जानते हो टी 90% होने में कितना टाइम लगा और आपसे पूछ लिया जाए टी 99.9 को होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, उसका टू टाइम्स कर देंगे। देखो
यहाँ पे 50 से 75 मतलब 25 का चेंज था, तब वो टू टाइम्स था, और यहाँ पे तो 90 से 99.9 है, केवल चेंज कितना आ रहा है 9.9 का, और ये इसका कितना हो गया टू टाइम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और भी कम हो चुकी है। जितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ रिलेशन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको ये याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू।